क्या हुआ पप्पू, तुम ऐसे क्यों लेटे हो? मार खाया हूँ मार, इसलिए लेटा हूँ। मम्मी मुझसे नाराज थी, गुरुजी से मेरी शिकायत कर दी और मैं मार खा गया, इसलिए मैं लेटा हुआ हूँ। अरे क्या हुआ तुम्हारी मम्मी को, और गुरुजी ने मार भी दिया? अब मैं क्या बताऊँ, आप मम्मी से ही पूछ लीजिए। आपके पैसे खर्च होते हैं तो मुझे पढ़ाई जरूरी करनी है, जबरदस्ती करनी है। मन हो पढ़ने का या ना हो, पढ़ाई तो मुझे करनी ही पड़ेगी, नहीं तो ऐसे ही पिट के लेट जाऊंगा। अरे जरा सुनती हो, पप्पू के बेडरूम में तो आना। हाँ आती हूँ जी, बताइए। अपने बेटे की हालत देखी है तुमने? क्या हालत देखूं इसकी, इसके ना पढ़ने की वजह से ही गुरुजी से मैंने शिकायत की, अब उन्होंने मार दिया गुस्से में आके, तो मैं क्या करूं? क्या तुम्हारा बेटा अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो तुम इसको मार खिलवाओगी? अपने बेटे को नहीं जानती क्या? क्या इसमें क्रिएटिविटी की कमी है? तुम कैसी हो गई हो, तुमने मार खिलवा दी मेरे बच्चे को। और वो गुरुजी जो तुमने थोड़ा सा बोला और वो गुस्से में मारने भी लगे, मैं उनसे भी बात करूंगा कि उनको मारने का अधिकार नहीं है। तुम माँ हो उसकी, तुम्हें पता है ना कितनी ज्यादा क्रिएटिविटी भरी पड़ी है पप्पू में, अगर वो चाहे तो कुछ भी बड़े से बड़ा काम कर सकता है। ये तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि अगर पप्पू कुछ भी करने पे आ जाए तो कुछ भी सीख सकता है, लेकिन ये पहाड़े नहीं याद करता, तो मुझे लगा कि पहाड़े याद करना इसके लिए बहुत जरूरी है। पहाड़े क्या होते हैं, आज तक मुझे पहाड़े नहीं याद है, और तुम्हें पता है ना कि मेरा प्रोफेशन क्या है। जीवन में सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको पहाड़े जरूर से जरूर याद हो, अगर नहीं होते तो बिना याद किए भी काम चल सकता है। बच्चे की जान लेके थोड़ी ना काम चलेगा। आप बिल्कुल सही कहते हैं, मेरा बच्चा कोई पढ़ाई में बुरा थोड़ी है, सिर्फ इसको पहाड़े ही तो नहीं याद होते, तभी ये याद करने से आनाकानी कर रहा था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं भी गुरुजी से न जाने क्या क्या कह गई, आइंदा से ध्यान रखूंगी। बेटा गलती हो गई मुझसे। कोई बात नहीं मम्मी, आपको समझ में आ गया, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। मेरे पापा जैसे पापा सबके हों,